अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा मेरा रक्षाबंधन। लड्डू जी भाई साहब, मैंने वो फाइल देखनी है, एक बार ध्यान से देख लेता हूँ कि कोई साइन तो ना छूट गया। ले जी। मारे राम जी, फाइल के चितड़े उड़ाने के लिए ये नारियल में बम फिट किया था, उसका फटने का समय हो चुका है। ये अगर इस फाइल को अपने कलेजे से लगा के रखेगा ना, तो हमारा काम न बन पाएगा, उल्टा हम लोगों को बर्बाद करके छोड़ेगा। अब क्या करें? ठीक से ले, वापस रख दे। भाई साहब, आवाज तो मुझे भी आ रही है। आ रही है ना? पर कहां से आ रही है? देख देख, जी भाई साहब। टिक। तुम दोनों भाई बहन का बुरा वक्त शुरू हो गया है। उल्टी गिनती गणना शुरू कर दो चकोरी मासा, बुरा वक्त शुरू होने वाला है आपका। समय देखते रहिए। रसाल। जी भाभी साहब। तेरे पास कोई ब्लू कलर की साड़ी है क्या? मुझे ना एक्चुअली कल कहीं जाना है और ब्लू ही पहनना है। जी भाभी साहब, साड़ी है अलमारी में, आप ये लीजिए चाबी और देख लीजिए। मुझे ना रसोड़े में कुछ काम है प्लीज।
रखिए। ए, खड़े जी, उठो। भाभी साहब, ये हुआ? लेटो, कड़क जी, जो क्या हो गया? मैं पानी लेके आती हूँ। अरे जल्दी कर, कड़क जी, कुछ ना होगा आपको। उठो, कड़क जी, आँख खोलो। कड़क के साथ जो कुछ भी हुआ, वो थारी, थारी इस चुड़ैल बिंदनी की वजह से ना। मत बोल, तारी चुप्पी। यह नजरें चुराना, ये सब कुछ पाया करती है। अपनी बिंदड़ी के काले करतूत में खुशियां मना के करे। अब तक थारा घड़ा भरा नहीं है ना, वो भी जल्दी भरेगा। बेटा कहलाने लायक ना रहा अब। कड़क जी, आँख खुलिए, आप ठीक है ना? हमारी जान निकल गई थी, अपने कोई गहरी चोट तो ना आई? आराम से, आराम से। मत छोटी परवाह दिखा शिवा, तेरी ये मूंग चकोरी की लड़ाई में अगर आज मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाती, तो तुझे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। आप अच्छी तरह जानती हो कि ये बात सचना है। यही सच है शिवा। तेरा गुस्सा, तेरी नफरत और तेरे इस बदले की आग में एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं भी, तू देखना। हाँ, ये उनका पलट वार था, मूंग और चकोरी का। मैं साड़ी निकाल रही थी, मैंने टाइम पे निकाल लिया। अगर मैं थोड़ी सी देर और अलमीरा के वहां पे रुक जाती ना, मेरे सर पे फटता वो जो भी था, और बचती नहीं मैं। आज तो किस्मत ने बचा लिया, लेकिन हर बार किस्मत साथ देगी नहीं पता नहीं ना। अगर ऐसी बात है ना, तो वादा करता हूं मैं आपसे कि आज के बाद किसी भी मुसीबत को आप तक पहुंचने से पहले शिवा से टकराना होगा। मैं आपने कभी कुछ ना होने दूंगा। खड़क जी, आप पतली है मरी, आपकी सुरक्षा हमारा धर्म है। ये शिवा खुद चल जाएगा, लेकिन आप पर एक आंच चढ़ाने दूंगा मैं। एक बार भरोसा तो करके देखिए मुझे। लेकर आता हूं आपके लिए। पूर्णिमा जी, अरे वाह पूर्णिमा जी, जीजू सा, हाँ, ये क्या हो गया? हे भगवान, मजे कटे। गांव से खबर आई थी जीजू सा कि दादी सा की तबीयत बहुत खराब है, शायद इस बार तो वो बच भी ना पाए। जीजी चली गई, और आपको कितने फोन लगाए जीजू सा, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया।
कैसे हो गया जीजो साहब? अरे कुछ ना हो, गाड़ी खतर पहुंचने के लिए रास्ता पार कर रहा था, कोई पीछे से आके ठोक गया। कीड़े पीड़े नास पीटो को एक्सीडेंट कर दिया। आइए। अरे दुर्योधन वृंदा, छोटा सा एक्सीडेंट तो ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? आइए आप शाम पूजा चौके में से जल्दी से गर्म पानी बना के ला, टॉवल भी लेके आना। संभल के। अरे देव वृंदा, चलिए चलो रूम में। आइए संभल के वृंदा, ठीक हूँ मैं। अरे क्या कर रही है वृंदा? कोई बात को नहीं, छोटी मोटी चोटें हैं, ठीक हो जाएगी। कोई छोटी मोटी चोट ना है। रामलाल तू जा। अरे यो क्या कर रही है वृंदा? मिर्ची ना लगी तो एक बात बोलू जी, जो सा जब से विधवा हुई हूँ आपने मुझे संभाला है, क्या आज मुझे आपकी सेवा का मौका नहीं दोगे? इतना भी हक ना दिया आपने मुझे। इधर मुंह करिए, बिल्कुल ठीक से बैठे रहिए, चुपचाप। देखिए कांधे पे और हाथ पे कितनी चोट लगी है। चलिए कुर्ता निकालिए अपना। अरे क्या कर रही है वृंदा? जितना किया काफी है, बाकी मैं खुद कर लूंगा चाहता हूँ। अरे देखिए तो कंधे पर और हाथ पे कितनी चोट लगी है। कुर्ता ना निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अंदर घाव कितना है? चलिए चलिए कुर्ता निकालिए। वृंदा जा तू, बोला ना। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।